नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर में जिला प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, बुधवार को होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की हालत बिगड़ी, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती, सीढ़ी पर गिरने से लगी थी चोट। बिहार के 3 जिलों से गुजरेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस साल के अंत तक शुरू होगा निर्माण। बिहार में फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर, सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के एंट्री नहीं, नई गाइडलाइन जारी। होटल रेस्टोरेंट की मनमानी पर लगेगी रोक, सर्विस चार्ज के नाम पर नहीं वसूल सकेंगे मोटी रकम। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की डेट आई सामने, चेक करें डिटेल्स। पटना जू में जल्द दिखेंगे अफ्रीका के जानवर, इम्पाला घड़ियाल समेत इन जानवरों को लाने की तैयारी। बिहार के 2 जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर मोहल्ला में आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकान को जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए आवास बोर्ड के MD और राज्य सरकार से बुधवार तक जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राजेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के आशियाना उजाड़े जाने पर आश्चर्य प्रकट किया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। आवास बोर्ड और सरकार द्वारा दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की है, जबकि यह एक्ट इस मामले के लिए ही बनाया गया है। सरकार तथा आवास बोर्ड का यह कार्य गैर कानूनी है, इस मामले पर फिर बुधवार को सुनवाई होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत घर की सीढ़ी से गिरने के बाद बिगड़ गई है। लालू प्रसाद यादव रविवार की रात को अचानक से लड़खड़ाकर सीढ़ी से गिर गए थे, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई और कमर में भी चोट आई थी, जिसके बाद रविवार को अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम लालू प्रसाद अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान उनका अचानक से संतुलन बिगड़ा और वह लड़खड़ाकर सीढ़ी पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें उठाकर बेड पर लिटाया गया और फिर घर में मौजूद लोगों ने उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने लालू प्रसाद का MRI कराया। जांच में लालू प्रसाद के कंधे, कमर और पांव में चोट की रिपोर्ट आई है। वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेस वे का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसे बनाने के लिए अलाइनमेंट तय हो चुका है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 686 किलोमीटर लंबाई में करीब 24,275 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेस वे बिहार के 3 जिलों कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले से होकर गुजरेगा। इससे इन जिलों से कोलकाता तक आवागमन में करीब 50% समय की बचत होगी। साथ ही बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से नई कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। सूत्रों के अनुसार भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में बनने वाले इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत वाराणसी रिंग रोड और NH-19 के जंक्शन से शुरू होगी। यह मुगलसराय, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पुरुलिया से हावड़ा के पास उलबेरिया तक जाएगी। इस अलाइनमेंट में खड़गपुर और रांची जाने के लिए अलग से 85 किलोमीटर लंबाई में लिंक सड़क बनेगी। बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस दौरान लोगों में सुरक्षा को लेकर लापरवाही अधिक है। कोरोना का डर कम होने के कारण लोग फिलहाल लापरवाह दिख रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर इक्का दुक्का लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं, वो भी इस स्थिति में जबकि कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। अगर ऐसा ही स्थिति रही तो कोरोना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रधान, अपने अधीनस्थ वैसे सरकारी कर्मी व पदाधिकारी जो कोविड का टीका अब तक नहीं लिए हों, उन्हें चिन्हित करते हुए एहतियात खुराक दिलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं कि सभी पदाधिकारी व कर्मचारी को प्रिकॉशन डोज दे दिया गया है।
अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह आपके काम की खबर है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। CCPA के इस निर्देश के मुताबिक अब होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ किया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। यह पूरी तरह से ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सेवा शुल्क देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 17 अगस्त से ग्रुप डी की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही RRB ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को दो परीक्षा देना होगा। बोर्ड ने एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा कराने का फैसला लिया है। बता दें कि देश भर से 1,18,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके माध्यम से करीब 1,03,000 युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। बिहार से लगभग 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा लगातार 2 महीने तक अलग अलग चरणों में होगी। एक दिन में 3 पालियों में परीक्षा होगी। RRB की ओर से वर्ष 2019 के जनवरी में ग्रुप डी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। RRB ने वर्ष 2019 में ग्रुप डी का विज्ञापन जारी करने के बाद उसमें 3 बार संशोधन किया। अंतिम बदलाव से अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। पटना जू में जल्द ही दर्शक अफ्रीकी जंगली जानवरों को देखकर मजा ले सकेंगे। साउथ अफ्रीका से 7 अलग अलग तरह के कुल 36 जानवर लाए जाएंगे। इनमें जिराफ, अफ्रीकी शेर, जेब्रा, डबल हॉर्न राइनो, इम्पाला, घड़ियाल और ऑरिक्स है। पिछले दिनों पटना जू प्रशासन और साउथ अफ्रीका की डोनर एजेंसी की बैठक में फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना जू प्रशासन और साउथ अफ्रीकी की डोनर एजेंसी की ओर से वर्चुअल बैठक की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले फेज में पटना जू को 36 जानवर डोनेट किया जाएगा। दूसरे फेज में राजगीर जू सफारी के लिए कुल 20 जानवरों को लाया जाएगा। जू प्रशासन की ओर से जल्द ही जानवरों को रखने के लिए बाड़े तैयार करने की शुरुआत की जाएगी। साउथ अफ्रीका से जानवरों को लाने और यहां उन्हें रखने की व्यवस्था करने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में मॉनसून सक्रिय है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ तक की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 जगहों पर ठनका गिरने के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य के सभी हिस्सों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। मॉनसून की ट्रफ लाइन अनूपगढ़, ग्वालियर, सीधी, जमशेदपुर, दक्षिण झारखंड, बंगाल की खाड़ी होते हुए गुजर रही है। इसके कारण बिहार के भी कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 वर्षीय BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए 191,929 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 97,718 महिला एवं 94,211 पुरुष अभ्यर्थी है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 शहरों में 325 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं के लिए 157 और पुरुषों के लिए 168 परीक्षा केंद्र हैं। राज्य के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक की टीम को परीक्षा संबंधित सामग्री को लेकर रवाना कर दिया गया है। यह टीम आरा, भागलपुर, छपरा, गया, मधेपुरा, मुंगेर, पटना और पूर्णिया के लिए रवाना हुई है। 4 जुलाई को दरभंगा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के लिए टीम प्रस्थान करेगी। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि प्रत्येक
सहभागी विश्वविद्यालय के लिए 1 से 2 केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दल का गठन किया गया है। इसमें 2 शिक्षक पदाधिकारी हैं। कुल 18 दल बनाए गए हैं। केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक आवंटित विश्वविद्यालय केंद्र पहुंचकर वहां के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। इसके बाद केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दल विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी के पारस्परिक सहयोग से अपने कार्यों का निपटारा करेंगे। श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा को लेकर 300 होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी। जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से होमगार्ड कमांडेंट को यह डिमांड भेजा गया है। मेला के दौरान शनिवार दोपहर से लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे तक निर्धारित पॉइंट पर ड्यूटी कराई जाएगी। कांवरिया के अतिरिक्त भीड़ आने की संभावना को देखते हुए जिला पुलिस के अलावे पड़ोसी जिले से भी पुलिस जवानों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि 300 होमगार्ड जवानों का डिमांड आया है। श्रावणी मेला के दौरान उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जवानों को कैसे ड्यूटी करनी है, कांवरियों की भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर और भी जवानों का डिमांड आएगा तो उसको भी जिला पुलिस की मदद से लगाया जाएगा।